अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑनलाइन मॉल लेकर आया बिल्कुल न्यू स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग आज आपके लिए, जिसका मॉडल नंबर है माइक्रो वेयर 007 स्मार्ट वॉच। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि ये वॉच मैं आपको बता दो चलूँ पहले ये कि W17 स्मार्ट वॉच जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी थी, ये उसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है न्यू मॉडल, और ये उसी फॉर्म फैक्टर पर डिज़ाइन की गई है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, खाली वीडियो देख कर मत जाया करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लिएगा। और ऑनलाइन मॉल 9304 के नाम से हमारा इंस्टा अकाउंट है, जिस किसी ने भी यहाँ पे हमें फॉलो नहीं करा हुआ वो आकर यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको न्यू गैजेट्स जो भी चीज़ चाहिए हो आप यहाँ पर आकर उसका ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें और साथ साथ इंस्टा को भी फॉलो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वॉच की अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस, अभी इस वॉच को अगर आप ऑनलाइन मॉल के इंस्टाग्राम पे पेज पे जाकर ऑर्डर करेंगे तो आपको वो लोग दे रहे हैं इसके साथ 45 mm का लीटो प्रोटेक्टर बिल्कुल फ्री। तो चलिए वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, वॉच के बॉक्स पे आपको यहाँ माइक्रोवेयर कंपनी का नाम पढ़ने को मिलेगा, यहाँ उसका मॉडल नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जर की तस्वीर बनी हुई है और बीच में एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, वायरलेस चार्जिंग लिखा हुआ मिलेगा पढ़ने को, सिल्वर कलर है इसलिए सिल्वर डॉट है। यहाँ पर आपको इसकी जो बॉक्स के साइड में यहाँ पर एम एक्टिव प्रो इसकी ऐप का नाम है वो पढ़ने को मिलने वाला है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ अगर क्लियर दिख रहा हो कैमरा दिखाता चले तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा 45 mm 007 इसका मॉडल लिखा हुआ। अब अगर अब इसकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेयर की ऐप का QR कोड स्कैन करके जो आप डाउनलोड करेंगे वो मिलेगा। 500 प्लस वॉच फेसेस हैं भैया इसमें, बेहतरीन वॉच फेस होने वाली है, बेहतरीन वॉच होने वाली है, फेस नहीं। अच्छा, इसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस चेक करने को मिलेंगे जो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स इन्होंने लिखे हुए। अच्छा, पहली चीज़ मैं हमेशा हेल्थ के हवाले से बहुत केयर करता हूँ और अपने जितने भी यूज़र्स हैं जो मेरे को वॉच करते हैं मैं उनको ये चीज़ हमेशा से बताता हूँ कि कोई भी स्मार्ट वॉच आप ले रहे हो, चाहे वो ब्रांड की लो, कॉपी लो, ओरिजिनल लो, XYZ कोई भी लो, उसको मेडिकल डिवाइस समझ के ना लो कि वो आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें एक्यूरेट बताएगी। इनमें कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। अगर आपने इस चीज़ के लिए नहीं है तो भैया मेडिकेटेड डिवाइसेस या वो मशीनें लें जो इसके लिए बिल्कुल उसी के लिए ही प्रॉपर डिज़ाइन करी जाती हैं। हालांकि अब बॉक्स में भी लिखा आता है, हर वॉच के बॉक्स में लिखा हुआ होता है दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अ मेडिकल डिवाइस। तो चलो भैया ये तो हो गया, ये सर्टिफाइड है ROHS से और मेड इन चाइना की प्रोडक्ट है। तो अब ये हो गई है, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे हमें एक अदद मैनुअल चेक करने को मिलेगी, जो कि एक साइड पे आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलने को मिलेगी, भैया स्मार्ट वॉच यूज़र मैनुअल रिमार्क्स वगैरह ये सारी डिटेल्स इसमें आपको चेक करने को मिलेगी। बैक साइड पर आपको यहीं पर चाइनीज़ पढ़ने को मिलने वाली है, खैर बहरहाल चाइनीज़ तो आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे वॉच हमें अपनी डिवाइस कुछ इस तरीके से चेक करने को मिलेगी रखी हुई। साइड में आपको इधर एक वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलेगा जो इस वॉच के साथ आया है। भाई नया कुछ यही है कि वायरलेस चार्जर इन्होंने ऐड करा है, W17 में 2-pin मैग्नेटिक चार्जर दिया था, लेकिन इसके साथ अब की इन्होंने ये न्यू एडिशन दिया ये वाले मॉडल में कि वायरलेस चार्जर एडिशन ऐड करा है। और देखते हैं मज़ीद कुछ नया है कि नहीं है। पहले मैं इसके चार्जर की क्वालिटी की बात करूँगा, चार्जर की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, ज़बरदस्त है, कोई लाइट शाइट कुछ भी नहीं देखने को मिल रही, और ये इसकी USB पोर्ट है। तो चलें, तो गाइस मैं थोड़ी सी इसकी वॉच की स्क्रीन को साफ़ कर लूँ फिर आपके सामने पेश करता हूँ। तो गाइस स्क्रीन मैंने इसकी साफ़ कर ली है, आप देख लें फुल ब्लैक स्क्रीन है, एकदम अंदर की कोई स्क्रीन नहीं है जो शो हो रही हो। इसके अलावा अगर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसमें एक अदद क्राउन चेक करने को मिलेगा, इसके नीचे आपको एक बटन चेक करने को मिलेगा जो कि वर्किंग में है, सेंटर में माउथ पीस आपको चेक करने को मिलने वाला है। इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ साइड में भी आपको एक स्पीकर चेक करने को मिलेगा, जैसे कि सीरीज 7 में साइड में आता है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ आपको चेक करने को मिलने वाली। बैक साइड की बात करेंगे तो ये देखिए बहुत ही प्रीमियम लुक है, बैक साइड पे सेरेमिक कोटिंग चेक करने को मिलने वाली है। यहाँ पर साइड डिटेल्स भी इसकी कुछ लिखी हुई है कि ये वाटर रेजिस्ट भी कर सकती है कुछ हद तक, लेकिन बहरहाल हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं आपने लेकर कहाँ जाना है, क्योंकि अगर वाटर ख़राब भी हो गई तो बहरहाल वाटर डैमेज के हवाले से मैं कभी भी इस पर श्योरिटी नहीं देता कि भाई ये वर्किंग प्रॉपर करेगी। बाज़ दफ़ा कुछ वॉचेस करती भी हैं कुछ नहीं भी करती हैं। बाज़ लोग पूछते हैं कि भाई ये पानी में डालूँ चलेगी क्या? अरे भैया पानी में डालोगे कहीं ना कहीं से पानी चले जाना है, फैक्ट्री को कहाँ ढूंढोगे, और किसी ने क्लेम भी नहीं देना। अच्छा खैर इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर बैक पे आपको यहाँ सेंसर चेक करने को मिलने वाले हैं, जो भी आपको हार्ट रेट वगैरह के हवाले से जो सेंसर्स दिए हुए होते हैं, हार्ट रेट के हवाले से शुरू में मैंने बता दिया कि भाई कितनी परसेंट एक्यूरेसी होती है कितनी नहीं होती। यहाँ पर आपको सीरीज 7 पढ़ने को मिलेगा, वॉच सीरीज 7 और ये सारी डिटेल चेक करने को मिलेगी। तो चलिए भैया वॉच को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। वॉच जो ओपन होगी आई थिंक ऊपर या नीचे जिससे भी ऑन होगी चेक करते हैं।
तो जनाब वॉच ऑन हो रही है भाई, हो रही है। वाह वॉच ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस देखिए काफ़ी सारी चेक करने को मिलने वाली हैं इसमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से इंग्लिश है, चाइनीज़ है और बहुत सारी यहाँ पे। खैर हम लोग ने तो इंग्लिश पे ही प्रमोट करना है तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको देखिए इसमें ये वॉच फेसेस चेक करने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसके वॉच फेसेस काउंट करने से पहले मैं इसकी ब्राइटनेस सेट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको चेक करने को मिलेगा सीरीज 7 वाला वॉच फेस। आप देखिए सेम एज इट इज़ सीरीज 7। डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले साइज 100% फुल ऑन फुल है। तो चलिए अब सबसे पहले वॉच फेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 वॉच फेसेस आपको। तो गाइज आपको इसमें 5 वॉच फेसेस चेक करने को मिलेंगे। कस्टम वॉच फेसेस में ऐड हो जाएंगे अलग से। इंटरफेस की बात की जाए तो ये देखिए सेम W17 स्मार्ट वॉच का जैसा आया था सेम एज इट इज़ है। ये देखिए कितना फास्ट वर्क करता है, बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है ये देखिए। तो अब इसके अंदर इंटरफेस चेक करते हैं कितने हैं। डबल टैप इंटरफेस चेंज, सेकेंड डबल टैप इंटरफेस चेंज, डबल टैप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। भैया बहुत सारे वो इंटरफेस आपको चेक करने को मिलने वाले हैं इसके अंदर। ऊपर से स्लाइड करने पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के हवाले से ऑप्शन चेक करने को मिलेगा। यहाँ QR कोड दिया हुआ है इसके ऐप के हवाले से, ये ऑप्शन। यहाँ पर नाइट स्लीप मोड के हवाले से, नाइट मोड पे आप ऑन कर सकते हैं तो उस हिसाब से ब्राइटनेस कर देगा। यहाँ पे ब्राइटनेस के हवाले से कम ज़्यादा तेज़ जो भी आप करना चाहते हैं वो ऑप्शन चेक करने को मिलने वाला है। यहाँ से अली पे का, अब जितनी भी न्यू वॉचेज़ आ रही हैं ना सब में अली पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इतने कम प्राइस में जो वॉच आ रही है उसमें नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता है। तो वही अली पे का ऑप्शन भी दे दिया है इसमें। और यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले स्टाइल दिखा दिए थे, टोटल 6 हैं अभी मैंने आपको चेक करवाए, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पावर ऑन ऑफ़ के हवाले से आपको यहाँ पर ये चेक करने को मिलेगा। और अगर बात करें मज़ीद तो यहाँ पर सेटिंग चेक करने को मिलेगी। सेटिंग में फ्लैश लाइट दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि रोशनी नहीं हो जाए। स्क्रीन साइज चेक करो भैया, फुल है। अगेन दिखाते चलो सेटिंग्स के बाद। भाई सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम आपको सबसे ज़्यादा मिलता है 30 सेकेंड्स का, जो हमने सेट करवाया। ब्राइटनेस भी चेक करवा दी है। वॉल्यूम आपको कुछ इस तरीके से चेक करने को मिलेगी, मल्टी मीडिया वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर वाइब्रेटर भी है इसमें, वाइब्रेटर भी आप ऑन ऑफ, मेलोडी भी आपको चेक करने को मिलेगी। कॉलर रिंग टोन है भैया, अपने हिसाब से रखो, सुनो जैसे चले अपने हिसाब से सेट करके रखो सेलेक्ट करके, ठीक है। नोटिफिकेशन टोन है इसमें, वो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा QR कोड यही है जो इसकी ऐप आ जाएगी कनेक्ट होकर। लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करने में। डी स्टोर में तो आपको सबको बताया गया, तो हम तो बहुत करते हैं तो हमें पता ही है क्या। अबाउट में आ जाते हैं, अबाउट में आपको वॉच 7 पढ़ने को मिलने वाला है। वॉच 7 की ये पूरी डिवाइस एड्रेस ये सारी डिटेल पढ़ने को मिलेगी। तो जनाब सेटिंग से तो हो गया आपका तारुफ, यहाँ से करते हैं तो नो नोटिफिकेशंस, मतलब यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स नोटिफिकेशंस जो टाइम में आएंगे वो यहाँ पर आपको चेक करने को मिलेंगे। यू स्लाइड करेंगे तो आपको शॉर्टकट जो डुअल स्क्रीन है जो चेक करने को मिलेगी यहाँ पर, शॉर्टकट्स जहाँ पर आप अपना वेदर चेक कर सकते हैं, टाइम, QR कोड और कुछ शॉर्टकट्स यहाँ चेक करने को मिलेंगे। इधर हम स्लाइड करेंगे तो ये देखिए हमें कुछ अपने पेडोमीटर के हवाले से कि हम कितना चले क्या रहा सारी चीज़ें चेक करने को मिलेगी। हार्ट बीट, BP इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। देखिए पीछे आपको ग्रीन लाइट तो ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन अब ये देखिए, अब मैं नीचे रखता हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से BP बताएगा कि भैया क्या चल रहा है आजकल गत्ते का BP। तो अब देखिए, ये देखिए हो गया ना कमाल, इसीलिए बोलता हूँ यकीन नहीं करने का इनके ऊपर। हाँ जनाब, तो कैसा लगा हमारा कमाल आपको? तो ना जनाब ये हार्ट रेट वगैरह और ये स्नोस ये भी इससे मिलता जुलता है, रात भर कैसे नींद रही, ये आपको म्यूज़िक प्लेयर है, ये आप ऑपरेट कर सकते हैं जो भी आपके मोबाइल में सॉन्ग हैं। भाई मोबाइल को खोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, वॉच से ऑपरेट करो, आगे पीछे प्ले पोज जो करना है करते रहो। यहाँ से वेदर, यहाँ पर वेदर शो होगा, वेदर अभी एक्टिव नहीं क्योंकि वॉच मोबाइल से कनेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा। अगेन चलो बैक हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मज़ीद आप इसके इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस देखो कितना प्यारा है, सेम लाइक सीरीज 7 का लगता है ना बाबू। अब अगेन मैं दिखाते चलूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉल डायलर को जिस तरीके से चेक करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी आपकी सिंक्रोनाइज होकर, क्योंकि अभी नहीं है। कॉल हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पर चेक करने को। यहाँ आपका हार्ट रेट आ जाएगा, यहाँ आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा चेक करने को, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन में ही ब्लड ऑक्सीजन में भी कोई एक्यूरेसी नहीं है, कुछ भी बताएगा जो दिल करेगा वही बताएगा। स्नूज में आपको ये चेक करने को मिलने वाला है। हाँ तो भाई एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज वॉच एक्सरसाइज में आपको मिलेगी वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, क्लिम माउंटेन, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, जंप रॉप, टेनिस, फुटबॉल, पिंग पोंग, वेंटन, योगा, टिंग टोंग सब मिलेगा भाई।
चलो एक को स्टार्ट करते हैं, पिंग पोंग पिंग पोंग जो भी। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसमें चेक करने को मिलेगा, ये कैलोरीज बताएगा कितनी बर्न करी आपने इस दरमियान जो आप स्पोर्ट एक्टिविटी करते रहे, और बीट्स पर मिनट बताएगा कि आपकी बीट पर मिनट क्या चल रही थी। एक्सरसाइज के बाद से ये ऑप्शन मिलेंगे चेक करने को, पेडोमीटर में ये सारी डिटेल्स चेक करने को मिलेंगी, म्यूज़िक प्लेयर इसका पहले ही तारुफ करा दिया, और क्या रह गया यहाँ पे, वेदर चेक करने को मिलेगा। यहाँ भाई स्टॉप वॉच बड़े काम की चीज़ है, ये देखें स्टॉप वॉच यहाँ पे चेक करने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको अलार्म, हाँ इस वॉच में भाई अलार्म भी तो लगाओ, अलार्म का ऑप्शन दिया है, और आपको इसमें चेक करने का मिलेगा मैसेज, मैसेज का भी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो नो नोटिफिकेशन। अगेन कैमरा, अरे भाई कितने लोग आते हो बोलते हो वॉच में कैमरा चाहिए, तो मेरे प्यारे भाइयों वॉच में कैमरा नहीं होता, कहीं आगे पीछे कहीं नहीं होता, ये कैमरे का मतलब है मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का कैमरा खोलो और यहाँ से क्लिक करो मोबाइल पिक्चर, मोबाइल में जो आपका कैमरा खुला हो यहाँ से पिक्चर कैप्चर करो, डेट्स मीन ये घड़ी के अंदर कैमरा नहीं है। हाँ उसके बाद आपको चेक करने को मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑन रखना ऑफ रखना है ये आपके अपन अपने हाथ में भैया, सही है यहाँ से अपनी मर्जी से एडजस्ट करो। यहाँ पे मिलेगा लुकिंग फॉर फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, तो फाइंड डिवाइस कनेक्ट होगा तो फ़ोन को सर्च करके बता देगा भाई फ़ोन की वजह की घंटी, और वो बताएगा किधर हुआ है। सेटिंग्स मैंने चेक करवा दी है, मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ तो मतलब रह ही नहीं गई ना, ये देखो सब चीज़ें शो हो गई हैं। तो अब इसके हवाले से अब अगेन इसके अंदर स्ट्रैप कोई भी लगाना चाहो लग जाता है, दिखाऊँ क्या सैम्पल, तो गाइस ये देखो ये लगाया हुआ स्ट्रैप इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप लगाया है, हल्का नहीं लगाया हुआ, एप्पल की ओरिजिनल वॉच में लगाया जाता है, ये वो स्ट्रैप लगा के दिखा रहा हूँ, परफेक्टली लग रहा है, बिल्कुल लगता है ये आसानी से लग जाता है, और लुक कुछ इस तरीके से अच्छा सा आता है। तो अब रह गई थी वायरलेस चार्जिंग, ये रहा वायरलेस चार्जर, ये रही वॉच रखने का ऊपर और शो करेगा ऐसे चार्जिंग स्टार्ट टर्न करके, लास्ट टाइम पोको पिन आपको चेक करने को मिली थी W17 में, ये उससे अपडेटेड मॉडल है, ऊपर का मॉडल है, इसमें आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर, देखिए कितना फास्ट वर्क कर रहा है, जैसे चार्जर कनेक्ट और वॉच चार्ज होना शुरू। तो मोहतरम जनाब वॉच का वेयर करने के बाद ये लुक आने वाला है, ये देखिए क्वालिटी देखिए कितनी प्रीमियम है, स्क्रीन साइज बहुत ज़बरदस्त है, फुल एच टू एच डिस्प्ले चेक करने को मिलेगा, ये देखिए वेकअप जेस्चर भी इसका परफेक्टली काम करता है, ये देखिए। तो गाइज इंतज़ार किस बात का, यूट्यूब चैनल को तो फट करके नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लो, ताकि न्यू वॉच कोई भी आएगी, बहुत सारी आती रहती हैं और आने वाली हैं, उनकी अनबॉक्सिंग टाइम टू टाइम चेक करने को मिलती रहेगी। और हाँ एक मज़ीद अहम चीज़ तो मैंने शुरू में बताई थी, अगेन बताता चलूँ, 3D कर्व प्रोटेक्टर ऑनलाइन मॉल इंस्टाग्राम पर पेज है, ऑनलाइन मॉल 9304 के नाम से जाके फॉलो भी कर लो, और वहाँ पर जाकर अगर ये ऑर्डर करोगे तो एलिटो प्रोटेक्टर उसके साथ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। हाँ तो भैया मैग्नेटिक स्ट्रैप लगने के बाद इसका लुक आप देखिए कुछ इस तरीके से चेक करने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम सा लुक आ रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक स्ट्रैप सिल्वर के ऊपर बहुत सूट कर रहा है, चाहे मैग्नेटिक हो जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्टेनलेस स्टील दिखाया, चाहे वो सिल्वर कलर और मैग्नेटिक स्ट्रैप बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमसे जुड़े रहने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।